एबीपी न्यूज मराठीच्या सर्व प्रेक्षकांचं स्वागत। पाहुयात आजची ही बातमी। सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहूंगी कि जो ग्राउंड लेवल में जो हमारी महिलाएं काम करती है, जो हमारा कैडर काम करता है, सरकार हमारी और बिल्कुल ध्यान नहीं देती। जो कर्मचारी है ऑफिस लेवल में, जो कूलर के नीचे एसी के में जो काम करते हैं, उनका रेगुलर मानदन होता है, उनका पेमेंट होता है, जो 40,000 रुपये का उनका पेमेंट है, उनका रेगुलर मानदन होता है। और जो हमारी महिला ग्राउंड लेवल पर एक एक घर में पहुँच कर गाँव में जाकर महिलाओं के घर तक जाकर मुझे एक बात बताइए कि कितने दिन से इनका मानदन नहीं हुआ है? 9 महीने हो गए हैं। किसी तालुका में 10 महीने, किसी तालुका में 12 महीने, इस वर्धा तालुका में 9 महीने से इनका पेमेंट नहीं हुआ है। और इनका पेमेंट सिर्फ 3,000 रुपये है। 3,000 में ये अपने कुटुंबों का गुजर बसर करते हैं। आप ही बताइए, अगर 9 महीने अगर इनका पेमेंट नहीं होगा तो ये अपने काम भी करेंगी और अपने परिवार का गुजर बसर कैसे करेंगी? इतना बताइए कि इसके पहले आपने किस किस को निवेदन दिया है, यानी जो भी आपकी जो भी समस्याएं हैं तो किसके सामने आपने रखी है? नमस्कार, मैं संगीता कांबड़े बोल रही हूँ और मैं एक प्रेरिका हूँ। हमारा 9 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है। हमको बोलते हैं कि इसमें गरीब गरजू महिला लिए है, लेकिन अगर उनका 9 महीने तक पेमेंट नहीं होगा तो घर में खाएंगी क्या? इसलिए हमारा हमेशा ही ऐसा रहता है। और मार्च एंडिंग जब होती है 10-10 महीने हमारा पेमेंट पेंडिंग में रखते हैं, और अगर लास्ट में अगर हमको देते हैं तो उसमें भी 1 महीने का वो कपात कर लेते हैं। हम सबसे ज़्यादा अगर हमने काम नहीं किया तो ऊपर में हम माइकी जाएंगे नहीं, लेकिन हमारा ये ऊपर वाले अभियान वाले लोग हमारा शोषण करते हैं। हमको 3,300, वीओ को 1,500 रुपये, सीएलए को 3,000 ऐसे देते हैं, लेकिन सब यानी प्रमुख कौन है? तो हम है। अगर हमने तो काम नहीं किया, मैं इतना कहना चाहूँगी कि अभी तुम्हारा मानदन नहीं हुआ तो आप आगे क्या करना चाहोगे आप सब? अगर हमारा अभी हमने आंदोलन किया है, अगर हमारा 8 दिन में अगर पेमेंट नहीं हुआ तो हम मुंबई तक मोर्चा करेंगे। बड़ा आंदोलन करेगी, सब तीव्र आंदोलन करेंगे। जी, हमारे जिले की भी तो और महाराष्ट्र की सारी सीआरपीओ पूरा कैडर है, सब कैडर है। एबी न्यूज से स्मिता नगराड़े। ये जो सीआरपी जो है उम्मीद अभियान में जो प्रेरिका काम कर रही है, और ये कई दिनों से उनके पेमेंट नहीं हुआ,